हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने आधा किलो फुल क्रीम दूध लिया है। दूध को मैंने कढ़ाई में गर्म कर रही हूँ और कस्टर्ड को मिलाने के लिए मैंने कच्चे दूध का इस्तेमाल किया है। ये देखिए, मैंने 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लिया है और इसमें मैं कच्चा दूध मिलाऊंगी। आप कच्चा ही दूध मिलाना, दूध थोड़ा थोड़ा मिलाते रहिए और इसको मिक्स करना है। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसमें गुठली नहीं पड़ी है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब हमारा दूध, इसको हम गाढ़ा होने तक थोड़ा पकाएंगे। आधा दूध को हम जला देंगे कस्टर्ड फ्रूट बनाने के लिए। अब मैंने इसमें आधी कटोरी मैंने चीनी लिया है, आधी कटोरी हम चीनी इसमें डाल देंगे। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे चीनी को। अब देखिए, इसमें हम जो कस्टर्ड मिला था इसको हम थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे। अगर आप पहले ही ज़्यादा गिरा देंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा मिलाइए इसको। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। देखिए, अब हमारा कस्टर्ड जो है मिल्क वो गाढ़ा हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है कस्टर्ड। अब हमने गैस को ऑफ कर दिया है। इसको हम कुछ देर तक ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम दूसरे बर्तन में इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, ठंडा हो गया है थोड़ा। अब इसको हम निकालेंगे अलग बर्तन में। देखिए फ्रेंड, मैंने इसको अलग निकाल लिया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए थोड़ा देर तक फ्रिज में रखेंगे। 20 मिनट के लिए हम फ्रिज में रखेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम फ्रूट डालेंगे। मैंने अंगूर को 2-2 हिस्से में कर लिया है और मैंने ये फ्रूट लिया है। आप अपने हिसाब से फ्रूट ले सकते हैं, जो आपको फ्रूट पसंद है वो आप ले सकते। मैंने इसमें आम भी डाला है, आम का सीजन है तो मैंने सोचा कि आम भी डाल दूं। ये देखिए, और इसको बिल्कुल ठंडा करके खाइए और कमेंट में मुझे बताना कि कैसा लगा। फ्रेंड, हमने बिल्कुल इसको मिक्स कर लिया है। आपको मतलब जो पसंद है फ्रूट, आप वो फ्रूट लेके इसमें डाल सकते हैं और बना के बताना कि कैसा बना था। और लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड, हमारा फ्रूट कस्टर्ड बनके तैयार है। कितना टेस्टी लग रहा है। बाय।